सुन, तेरी औकात नहीं है, समझ में आई? ड्राइवर है, ड्राइवर की तरह रह ले, वरना भी पता है तुझे मैं क्या हाल करूंगी। इस लड़की का इतने गुस्से में होने का रीजन है एक सिगरेट। सिगरेट अलाउड नहीं है कैब में। क्यों अलाउड नहीं है? मैं सिगरेट भी पीऊंगी तो लेके भी जाएगा, और तो मैं ना पीऊंगी, बोल क्या करेगा। दरअसल ये लड़की कैब में सिगरेट पीना चाहती थी, लेकिन कैब ड्राइवर ने इन्हें मना कर दिया। ए, अभी भी होंगे देख। मैं अलाउड नहीं है इसको फेंक। लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानी तो कैब ड्राइवर ने उन्हें राइड को कैंसिल करने के लिए बोला। मैम आप राइड कैंसिल कर दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, मेरे को नहीं लेके जाना। जिसके बाद लड़की काफी गुस्सा हो गई और ड्राइवर से बदतमीजी से बात करने लगी। इन सबसे परेशान होकर कैब ड्राइवर बार बार यही कह रहा था कि आप राइड कैंसिल कर दो, जिसके बाद ये लड़की इन्हें पुलिस की धमकी देने लगी। राइड कैंसिल कर दीजिए, मेरे को आप जैसे कस्टमर के साथ कोई राइड नहीं करनी। मैम आप उतर जाइए गाड़ी से, बाहर उतर दीजिए। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। कोई नहीं, आप कर दीजिए, आप पहले गाड़ी से बाहर उतर दीजिए। अब क्योंकि लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसकी वजह से लड़की गुस्से में आकर इस लड़के को मारने लगी। अब मैं बंद कर दो प्लीज, मैं कह रही हूं प्लीज वीडियो बंद। अरे बंद कर दे एक बार, मैं कह रही हूं तेरे से, समझ नहीं आ रही तेरे को। मैम आप प्लीज पहले बाहर उतरिए। मैम बाहर, मैं बाहर नहीं उतरूंगी तो वीडियो भी बंद करेगा। मैम पहले बाहर उतरिए आप पहले। थोड़ी देर बाद जब ये लड़की कार से बाहर निकली तो ना सिर्फ इस लड़की ने कार को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पुलिस के पास फोन लगाकर जबरदस्ती और मारपीट की बात कही। बाहर उतरिए, मार दी, बोल अब क्या करेगा, वीडियो बंद कर। सेक्टर 29 के पास खड़ा हूँ, इस लड़की ने देखो ये जो खड़ी है इसने मेरी गाड़ी तोड़ दी पूरी, और वो फुल नशे में, और उसने पुलिस के पास फोन कर दिया और मेरे को फंसाना चाह रही है, और नशे में है, गाली दे रही है उल्टी सीधी। और हेलो सर, मैं गुड़गांव सेक्टर 29 से बात कर रही हूँ, ये जो ये कैब ड्राइवर है मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, प्लस मुझे मार भी रहा है और कैब से इसने निकाल दिया है। सर यहीं पर आ जाओ, ये बार बार जबरदस्ती कर रहा है, और मैं आपको गाड़ी का नंबर भी बता रही हूँ सर, HR 73 करके कुछ है सर, आप यहीं पर आ जाओ, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ और मुझे मारा भी है इसने साहब। मैम अब इसके बाद क्या हुआ इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन अगर ये लड़का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। कोई नहीं, बुला लीजिए मैम, मेरे पास वीडियो है, मैं सब पूरा सब बातें जो अंदर हुई है सब रिकॉर्ड हुई है, मैं सब दिखा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।